सास बहू और फ्लेमिंगो किस तरीके की सीरीज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, भर भर के कैरेक्टर्स हैं, और हर एक कैरेक्टर को कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जस्टिफाई किया गया, जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बहुत बारी डिमांड करते हैं कि सेम ही तरीके की अगर स्टोरी हो, ड्रग्स के बारे में भी हो, पाब्लो एस्कोबार जैसी भी हो, लेकिन हमें कुछ नयापन दिखाओ। और यहाँ पर आपको सावित्री की कहानी दिखेगी, डिंपल कपाड़िया की कहानी, किस तरीके से वो एक ड्रग लेट्स से एक कारोबार चला रही है और अपनी बहुओं पे ज़्यादा विश्वास रखती है, बेटों पे नहीं करती, तो बेटों को पता चलता है कि नहीं चलता है, और चलता है तो फिर वो कैसे बिहेव करते हैं। साथ ही साथ में पुलिस जो है वो इनके पीछे पड़ी हुई, क्योंकि इनका जो माल है वो कहीं ना कहीं पुलिस के नज़र में आया हुआ है। दूसरे जो ड्रग लॉर्ड्स हैं वो भी इसके अगेंस्ट हैं, और ये जो कंपनी चला रही है रानी कोऑपरेटिव, वो चल भी पाएगी कि नहीं चल पाएगी, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर उठेंगे जो आप देखोगे। मैं आपको मजा किरकिरा नहीं करूँगा, बट इसके अंदर काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, और जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे उसकी बहू है, चाहे उसकी बेटी है, चाहे फिर उसके जितने भी बच्चे हैं, ये जितना कुछ भी दिखाया जाएगा या फिर उसका सेटअप दिखाया जाएगा जिसके अंदर वो कम्प्लीटली सिक्योर्ड होती है वुमेन्स के आसपास, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे लिए विन जो थी इस सीरीज की, जो देख के मुझे इतना मज़ा आया, क्यों मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये वुमेन लेड जिसे कहते हैं ना लीडिंग टाइप की मेरे को सीरीज नहीं लगी। कई बार बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वुमेन सेंट्रिक है तो जो फेमिनिस्ट के लोग हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है, ये वो फनाडम का ना। मेरे को लगता है कि नहीं, ये सीरीज एक बेंचमार्क सीरीज है, जो ये जो मेन और वुमेन के बीच का जो डिवाइड है वो ख़त्म कर देती है, क्योंकि चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, उसका जो कैरेक्टराइजेशन है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसको हीरो या विलन या फिर जो भी, या साइड या फिर सिर्फ लवर बनाती है। और यहाँ पर आप देख लोगे किस तरीके से डिंपल कपाड़िया, राधिका मदान, अंगिरा धर, ईशा तलवार, जितने भी कैरेक्टर हैं ये सब लोग अपने आप में हीरो कैसे बन जाते हैं, और आपको एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगता कि ये वुमन है या फिर ये मैन है, ये एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोली, उनके क्लोज, उनके डिसीजन इस तरीके के होंगे जो उनको हीरोइज्म की तरफ लेके जाएंगे। बहरहाल जिस तरीके से हवेली दिखाई गई है, काटल की कॉन्वर्सेशन हैं, बैक स्टैबिंग है, हर एक के अपने इंटेंशन हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी लगने वाली हैं। काफ़ी तरीके से घिरी हुई है, जैसे मैंने आपको बोला पुलिस का थ्रेट है, इनसाइड भी बहुत कुछ चल रहा है, किस तरीके के डायनामिक्स हैं, और डायनामिक्स थोड़े से अलग तरीके के, यहाँ पर सास जो है वो ताने मारने वाली उस तरीके की नहीं है, बट नैगिंग है, किसी वजह से उसको अपना नेक्स्ट हेयर भी ढूंढना, यानी नेक्स्ट कौन होगा जो उसका बिजनेस संभालेगा, वो एज हो रही है, तो वो भी जब तो जो है देखे कौन उसको आगे आएगा और किस वजहों से आएगा, ये सब चीज़ें देखने वाली होती है। जैसे इसको दिखाया गया है गांव खेड़े में होता हुआ काम, राजस्थान साइड में टेंटेटिवली होता हुआ विद अ फिक्टिशियस नेम, और वो किस तरीके से ऑपरेशंस जो होता है वो सिटीज़ के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको सामान अपना बेचना है, अपने ड्रग्स बेचने हैं, और उसके बाद क्या कुछ करना है, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिखाया गया है यहाँ पर, जो देख के मुझे अच्छा लगा। कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, कुछ R&D हो रही है, कौन वो कर रहा है, कौन ऑपरेशन संभाल रहा है, कौन बेच रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, R&D सब आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखेगा विद लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड एक्शन। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है, हालांकि म्यूजिक और जो उसके ट्विस्ट हैं वो अच्छे लगेंगे, और स्पेसिफिकली वुमेन जो एक्शन कर रही हैं वो वेल कोरियोग्राफ्ड है, तो उस चाहे स्मार्ट कट्स ली हूँ लेकिन देखने में बहुत बढ़िया लगता है, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रूटल भी है। अब जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो विलेज और शहर के बीच की जो ट्रांजिशंस हैं, इधर की कहानी फिर उधर की कहानी, इधर की कहानी फिर उधर की कहानी, वो कई बार आपको इतनी ज़्यादा सीमलेस नहीं लगती। आप एक जोन में जा चुके हो तो एक बोली समझने की कोशिश कर रहे हो, तो जो नॉर्मली हिंदी स्ट्रेट नहीं है वो समझ रहे हो तो कर रहे हो, तो फिर अचानक से वो सीन भी आते हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, और बहुत सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से जो डायनेमिक्स हैं समझते हुए बीच में छोड़ते हो, फिर दूसरा पकड़ते हो, फिर तीसरा पकड़ते हो, वो सब यहाँ पर होता है, तो सी सॉ की तरह है। कभी कभी सीरीज आपको थोड़ी सी हाई ऑक्टेन लगेगी कैरेक्टर्स की वजह से, कभी वो स्लो भी हो जाएगी, बीच बीच में ऐसा चलेगा, और अचानक से जब स्लो डाउन होने लगेगा तो कोई एक बड़ा एक्शन या ट्विस्ट आ जाएगा, तो बैलेंस आउट हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंटली इसको देखना होगा। इसके 8 एपिसोड हैं लगभग, और 40 से 45 मिनट के बीच में हवर करते हैं, और अगर आपके पास आईफोन है बाई चांस या फिर आईपैड के ऊपर आप देखते हो तो उसके अंदर ऑप्शन भी आ जाती है, यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑल्सो, 1.25x पे भी देखोगे तो कोई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है इसमें। कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर दिखाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से उसकी ग्रोथ दिखाई गई
यही है, वो कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, फिर वो वीक होता है, फिर वो स्ट्रांग हो जाता है, और जब ये वीक के बाद स्ट्रांग होता है और जब स्ट्रांग के बाद वीक होता है, ये जो सीसॉ यहाँ पर चलता है वो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर अगर कर सकता था तो कर देता यार, पहले वेट काहे की कर रहे थे, क्योंकि इमोशनली फिजिकली आप स्ट्रांग होते हो एज अ वुमन, जो जो भी यहाँ पर कैरेक्टर है, चाहे राधिका मदान का है, अंगीरा धर का है, ईशा तलवार के, वो कुछ चॉइसेस हैं जो वो ले सकते थे पहले से, लेकिन वो डेफर करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि यार डेफर क्यों कर रहे थे, और ले सकते थे तो पहले ले लेते, तो थोड़ा फोर साइडेडनेस आपको एज एन ऑडियंस लग रही होती है पर उनको नहीं लग रही होती, थोड़ा अजीब लगता है वो देखने के लिए। बाकी स्टोरी अच्छी है, थोड़ी अलग तरीके की है, ऐसा नहीं है कि आपने काटल वाली कोई ड्रग माफिया टाइप की कोई सीरीज नहीं देखी होगी, बट ये डिफरेंट है, थोड़ी रॉ रगेड है, हवेली है, माफिया है, नसरुद्दीन शाह का बहुत अच्छा रोल है, फिर दीपक गुडियाल का जो रोल है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, कम है, बीच बीच में आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि पहले मैंने इंटरव्यूज़ में जब देखा था तो ऐसे बोला था कि बहुत ज़्यादा रोल होगा, ऐसा नहीं है, हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिलेगी। इनफैक्ट नसरुद्दीन शाह और दीपक का तो थोड़ा सा रोल काफ़ी एंड में थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब बने हुए हैं उनका रोल इंटरेस्टिंग है, बट जैसे मैंने बोला कि कैरेक्टर्स में स्ट्रांग वीक स्ट्रांग की प्रॉब्लम है, वो कंसिस्टेंट नहीं है थोड़े से, वो थोड़ा सा इशू है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड वॉच, म्यूजिक बहुत शानदार है जो आपको हमेशा एलिवेटेड रखेगा, एनग्रोज रखेगा, मेरा मूवी स्कोर इसका रहेगा 8/10, यू शुड वॉच इट, इट्स अ गुड वॉच, बाय बाय।